बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू रिवीजन पेज 29। बेटा, जैसा कि आप सबको पता है कि नक़ूश उर्दू का हमने फ़ाइनल टर्म के लिए रिवीजन शुरू कर दिया है। इससे पहले मैंने आपको पेज नंबर 27 रिवाइज़ करवाया था और उसका हमने कॉपी में काम किया था। ये हमें अपने 10 पेजेस का रिवीजन कंप्लीट करना है। आज मैं आपको करवा रही हूँ पेज नंबर 29। ठीक है, आइए बुक में पेज नंबर 29 खोलें। ये देखिए, पेज नंबर 29 पे है कुत्ता मज़मून। ठीक है, ये एक पेट एनिमल होता है जो आपने वर्कबुक में किया हुआ है और याद भी किया हुआ है। यहाँ पर आज हम सिर्फ इसको रिवाइज़ कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, और याद करने के बाद ये काम हम कॉपी में करेंगे ताकि आपकी अच्छी तरह प्रैक्टिस हो जाए। मेरे साथ एक दफ़ा पढ़ लीजिए कुत्ता मज़मून। मेरे पालतू कुत्ते का नाम मोती है, इसका रंग काला है, इसके दो कान हैं, इसकी एक दुम है, ये बहुत तेज दौड़ता है, कुत्ता एक वफादार जानवर है। ठीक है बेटा, ये आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी 5 लाइनें इसमें से याद कर सकते हैं। आप नाम भी अपनी मर्ज़ी का लिख सकते हैं, आप उसका रंग भी अपनी मर्ज़ी का कोई लिख सकते हैं, या इन जुमलों के अलावा आपको कोई और जुमला अपने पेट एनिमल यानी कुत्ते के बारे में अच्छा लग रहा है तो आप वो जुमला भी लिख सकते हैं। बस आपको 5 जुमले बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। अब आप इस 5 जुमलों को अच्छी तरह याद करके अपनी उर्दू की कॉपी खोलेंगे। ठीक है, पेज नंबर 27 का आप लोग काम कर चुके हैं यहाँ पर देखिए, और पूरा बगैर देखे लिख चुके हैं। अब आप यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिएगा यादा सफ़ा 29 कुत्ता मज़मून, और जो 5 लाइनें आपने याद की हैं बेटा उसको बहुत प्यारा प्यारा अच्छी राइटिंग पे यहाँ लिखिएगा, और लिखने के बाद चेक कीजिएगा कि उसमें आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी, कोई लिखने की मिस्टेक, इमले की मिस्टेक। उन सब जुमलों को गौर से देख लीजिएगा कि आपने सही लिखे हैं कि नहीं याद करके, और फिर आपको जब मैं ये काम चेक करूँ तो इंशाअल्लाह ताला इतना अच्छा काम कीजिएगा कि आपको इसमें 3 स्टार मिले। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज याद करवाने के लिए या उसके रिवीजन के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए बेटा, अल्लाह हाफिज़।